वेलकम टू मुंस का चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी और स्पाइसी किस्म की रेसिपी। और इस रेसिपी का नाम है पोटैटो कटलेट्स, यानी कि आलू के कबाब। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और बहुत ही आसान और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे क्या, आलू, पोटैटोस। इनको हमने उबाल लिया है और उबाल के हमने इनको गला लिया है। साथ ही हमारे पास हैं दो अदद बारीक कटी हुई प्याज, लाल मिर्च, नमक और अनारदाना पिसा हुआ, काले मिर्च, ज़ीरा पाउडर पिसा हुआ। उसके साथ ही है हमारे पास हरी मिर्च और हरी प्याज, हरा धनिया, ऑयल, एक अदद एग, ठीक है। और इन सारी अज्जा के साथ अभी इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इसको पोटैटो को जो है वो पील ऑफ कर लेते हैं, इसका छिलका हटा लेते हैं। बहुत स्मूथली इसका छिलका हट जाएगा ये सारा, मैं हटा के आपको उसके बाद फिर सारा कम्प्लीटली दिखाती हूँ। और ये इस तरह से तैयार हो जाता है, छिला जाता है। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, अनारदाना पेस्ट, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक मज़ीद ऐड करना होगा, 1 से 1.5 चम्मच क्वांटिटी है इसकी। और फिर उसके बाद ये हरी प्याज और सिंपल प्याज, हरा धनिया, साथ ही इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च। और इसके बाद ये बहुत ही सॉफ्ट है और इजीली इसका पेस्ट बन जाएगा। तो हमने इसको किसी चीज़ किसी मशीन या किसी चीज़ की इस तरह की ज़रूरत नहीं है, हाथों की मदद से ही इसको ये तमाम अज़ा जो हमने इसमें शामिल किए हैं ये सब हाथों से इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इस तरीके से साथ साथ ये जो है ये पिसा भी जाएगा। और ये जो तमाम अज़ा मैंने इसमें मसाला जात ये सब चीज़ें शामिल की थी वो सब इसमें खूब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी। और इस तरह से ही आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का ये, मैंने इसको हाथ से ही बहुत अच्छे से इसको पीस लिया है और इसको मिक्स भी कर लिया है। इसको थोड़ा सा इस तरह से सेटअप दे दिया है, उसके बाद इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। और फिर ये है हमारा कबाब का टोटल मसाला जिससे हमने इस सब का कबाब तैयार करने हैं इस तरह से। उसके बाद फिर एक प्लेट ले लेंगे और उसमें इस तरह से 1 चम्मच ऑयल का डालेंगे, उसको थोड़ा सा उंगली की मदद से प्लेन पूरी प्लेट में इस तरीके से हम लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि अगर मैंने जो भी मैंने कबाब बना के रखने हैं इसके अंदर तो वो इससे चिपकेंगे नहीं। आलू में थोड़ी सी वो वाटरी कंडीशन होती है तो वो चिपकने की सलाहियत रखता है, तो इसलिए ये काम ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं हैंड्स में भी ये सारा ऑयल इस तरीके से लगा लूँगी, थोड़ा सा स्मूथली ये सब चीज़ें इसके साथ कबाब बनाना आसान होगा। और इस तरीके से बस फिर थोड़ा सा इसका अमेज़ा लूँगी और फिर हाथों की मदद से इसको थोड़ी सी राउंड शेप देते हुए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत किस्म का मैंने इस तरह इसको हाथ से कबाब बना लिया। और ये कबाब हमारा तैयार है। और इसी तरह से मैं सेकंड भी ये थोड़ा सा अमेज़ा लेके और इसको अपने हैंड से इस तरह से राउंड शेप देते हुए ऐसे भी बस इस तरह से सेट करके, तो बस ये तैयार हो गया हमारा सेकंड कबाब भी तैयार हो गया है। और इस तरह से बस इसको रखूँगी और ये सारे कबाब मैं इसी तरीके से बना के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, हमारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। अब इनको आगे मज़ीद उसके साथ हमारा इसको क्रिस्पी करने का जो है वो प्रोसेस है वो हम एक एग ले लेंगे और इसको इस तरह से तोड़ के फेंट लेंगे। और इसके अंदर हमने थोड़ा सा चुटकी भर नमक और लाल मिर्च ऐड करनी है। और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से, मिक्सअप दे देंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट ऐड करने का ये है लिंक, थोड़ा सा ना जो हम कबाब बनाते हैं उसका और एग का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट नहीं आएगा, क्रिस्पी क्रिस्पी भी होगा और बिल्कुल एक ही चीज़ लगेगी। ऐसे नहीं होगा कि ऊपर से केसिंग कुछ और अंदर से कुछ। तो
नाज़रीन ये हमारा इस तरह से बस इस एग के अंदर इसको थोड़ा सा कबाब को लगाएंगे और साथ ही के साथ हमने पैन में ऑयल जो डाला है उसको हमने अच्छे तरीके से आग पे तपा लिया है पहले फुला जो आँच है उस पर, और उसके बाद लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कबाबों को इस तरह से तलना है और ये बहुत ही सॉफ्टली सॉफ्टली आराम से बन के तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन इस डिश के साथ हम अपना टी टाइम भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी जो है हम ये थोड़ा बहुत इसका टच ले सकते हैं और अदर डिनर वगैरह के साथ भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही अमेजिंग और बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत क्रिस्पी ये कबाब बन के हमारे तैयार हो जाते हैं। थोड़े से हल्के से धनिया के साथ हम इसको मैरिनेट कर लेंगे और फिर साथ में सब्ज़ धनिया की चटनी दही के साथ, इसकी रेसिपी मैंने आपको अपनी एक पहली वीडियो में भी दी थी, और उसके साथ ही टमाटो केचप के साथ हमारी आज की रेसिपी पोटैटो कटलेट्स यानी के आलू के कबाब बनके बिल्कुल तैयार हैं। जी तो नाज़रीन, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।